वेलकम सर। हेलो सर, हाउ आर यू? वेरी फाइन, हम तो ठीक हैं सर। बट जो स्टूडेंट्स इन्होंने प्रीलिम्स पेपर अभी अटेम्प्ट किया है, दे विल बी अंडर ट्रेमेंडस प्रेशर। श्योरली दे मस्ट हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर देयर पेपर टू। बाय द टाइम दे मस्ट हैव बीन टेकिंग रेस्ट एज वेल एज गेटिंग रेडी फॉर देयर लंच, रेस्टिंग, रिकैप्चुलेटिंग व्हाट ऑल दे माइट हैव स्टडीड। एंड अल्टीमेटली हम लोग उस दिन पे आ गए जिनकी इंतजार 27 जून से थी, बिकॉज 27 जून तो ऑलमोस्ट उसके बाद कोरोना के चलते जो पोस्टपोनमेंट हुआ एग्जामिनेशन का, एंड अल्टीमेटली 10th अक्टूबर इज हियर। एंड सर विथ अस देयर इज अ पेपर ऑफ क्वेश्चन पेपर ऑफ द प्रीलिम्स 21 व्हिच हैव बीन कंडक्टेड टुडे इन द मॉर्निंग सेशन। तो अतुल सर, आप तो बहुत दिनों से देखते हैं इस एग्जामिनेशन के पैटर्न को। I believe you must have been seeing it for more than 3 decades. Even I have been watching this question paper for almost 2 decades now, and maybe a little bit more than that. So, sir, at one glance, आपका क्या assessment है? Well, to me, it seems ये paper एक trend, नया trend show करता है, जहाँ it's a mix of old trend as well as the new innovative way of asking questions UPSC has adopted. So probably things have changed a lot, and अगर मैं इस पेपर को देखूं तो मेरे को एक मिक्स नजर आता है दोनों ट्रेंड्स का। तो once again UPSC has delivered a question paper which is really really creative, and जो लोग जिन लोगों ने अच्छी तैयारी की होगी, हम लोग बात करते हैं हमेशा एक मेंस ओरिएंटेड तैयारी की, एंड जिन लोगों ने मेंस ओरिएंटेड तैयारी की होगी, जिन लोगों ने एक ओरिजिनल सोर्स जिसको कहते हैं बेसिक बुक्स, स्टैंडर्ड बुक्स और न्यूज़पेपर, प्रॉब्ली उन लोगों के लिए ये पेपर बहुत आसान रहा होगा। जो लोग अगर सुपरफिशियल, जस्ट स्क्रैच द सरफेस, उन लोगों के लिए तो कुछ कहना मुश्किल है। आप भी जानते हैं सर कि प्रीलिम्स क्रैक करना कितना मुश्किल है, और बड़ा एग्जाम है, उसके लिए बड़ी तैयारी की जरूरत है। एंड आई बिलीव जिन लोगों ने अच्छी तैयारी की होगी, दे विल बी रिवॉर्डेड। व्हाट यू से? आई परफेक्टली एग्री विथ यू सर, 100%। मेरा भी एनालिसिस लगभग यही है कि जो क्वेश्चंस के पैटर्न हैं, दैट्स अ मिक्स्ड ऑफ द प्रीवियस ट्रेंड व्हिच वी यूज्ड टू विटनेस प्रायर टू 2004 आई विल से, एंड इट्स अ मिक्स ऑफ इवन समथिंग व्हिच वी हैव बीन सीइंग 2013 ऑनवर्ड्स। सो अ परफेक्ट एमलगमेशन ऑफ all the trends, because I am talking about trends first, so trend mein dono trend ka sir mixing hai, just simply mentioning the trends will not suffice. To main samajhta hu sir, kyon nahi hum log kuch questions ko lekar ke keh dein ki har ek subject se kaisa kis type ka questions aaya hai और उनकी क्या रेलिवेंस रही है। बिल्कुल, आई थिंक वो चीज़ बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट्स के लिए, उनको जानना, उन लोगों के लिए इस पेपर को समझना। लोग कहते हैं कि यूपीएससी अनप्रडिक्टेबल है, यूपीएससी हिंदी मीडियम के लिए बायस्ड है। लोग बातें करते हैं कि यूपीएससी कुछ ऐसा करती है जिसमें इंजीनियर्स को फ़ायदा होता है, ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स फ़ायदा नहीं उठा पाते। एंड मेरे, जहाँ तक मेरा अपना एक्सपीरियंस कहता है, मैं 88-89 से इस एग्ज़ाम को ट्रैक कर रहा हूँ, सीरियसली ट्रैक कर रहा हूँ। वैसे अगर मैं देखूँ तो 86 से मैंने शुरू किया था, बट मेरे को जो लगता है कि यूपीएससी हमेशा ही मेरे लिए एक टेंपल की तरह से है। यूपीएससी जो भी सिलेबस है, जिस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही साइंटिफिकली, बहुत एनालिसिस के बाद, और कुछ क्लूज होते हैं हर क्वेश्चन के। और यूपीएससी जो पेपर सामने लाती है हमारे, शायद हमारी अपनी कमी कहीं रह जाती है, जिसकी वजह से कि हमें लगता है कि ये कोई बहुत ही डिफ़िकल्ट पेपर है। और उस ट्रेंड को समझना, जो लोग समझते हैं उनके लिए केक वॉक है। बहुत लोग ऐसे हैं, मैं इतने सालों में बहुत सारे सक्सेसफुल कैंडिडेट से मिला हूँ, अनसक्सेसफुल कैंडिडेट से मिला हूँ, जो लोग की प्रीलिम्स क्रैकर कहलाते थे। ये लोग ज़्यादातर 2010 से पहले वाले उसमें होते थे, जहाँ की बहुत ज़्यादा, बट स्टिल अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जो प्रीलिम्स आराम से क्रैक कर जाते हैं, आगे थोड़ी सी परेशानियाँ आती हैं। बट आई टॉक अबाउट दोज जो लोग की अच्छी मेहनत करते हैं, अच्छी तैयारी करते हैं, इस ट्रेंड को समझते हैं। और यही हमारा एक अटेम्प्ट है
कि आप लोग जो लोग इस हमारे प्रोग्राम को देख रहे हैं और जो लोग इस साल अटेम्प्ट जिन्होंने लिया है उनके लिए तो है ही, साथ में जो अगले साल में तैयारी करने के लिए, अगले साल सिविल सर्विस एग्जाम में शामिल होने के लिए तैयार हो रहे हैं, प्रॉब्ली उनके लिए एक बहुत बड़ा एक लेसन होगा कि आप इस एग्जाम को समझें, इस एग्जाम में यूपीएससी की इंटेंट को समझें और तैयारी करें तो आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है। क्या कहते हैं सर? 100% सर, यही तो मूल मंत्र है एग्जामिनेशन की, कि बेसिक्स पे लगे रहिए, चीजों को समझिए, पर सबसे बड़ी बात हो जाती है कि चीजों को समझें कैसे। सी वी हैव ऑलवेज बीन एडवाइजिंग द कैंडिडेट्स कि प्लीज कीप ट्रैक ऑफ द डेवलपमेंटल न्यूज, कीप रीडिंग द बेसिक स्टडी मटेरियल, बिकॉज दैट विल सेट द टोन फॉर द फर्दर प्रिपरेशन। तो इसी क्रम में सर हमारे पास जो कोई सेट है, आई डोंट नो विच सेट इट इज, मोस्ट प्रोबेबली इट कुड बी डी। सबसे पहला हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला पोर्शन से ही सर ये शुरू हो रहा है, तो हम लोग एक सरसरी निगाहों से देखते हैं कि हर एक कंपोनेंट का, लाइक साइंस टेक्नोलॉजी पॉलिटी इकोनॉमी, इन सब का कैसा ट्रेंड है। तो सर एक ओवरऑल ट्रेंड मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जो जनरल साइंस और टेक्नोलॉजी वाला आस्पेक्ट्स है इस पेपर का, लेट मी टेल यू सर, दे हैव गोन टू द बेसिक साइंस। अर्लियर क्या होता था, मोस्टली क्वेश्चंस जो विच वर डूइंग द राउंड्स, आई मीन विच वर इन द न्यूज, उनको ही पूछा जाता था, लेकिन इस बार यूपीएससी ने इतनी अच्छी तरह से मिक्सिंग की कि मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चंस जनरल साइंस की है, एंड इट कैन पुट द कैंडिडेट्स हु आर फ्रॉम ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड एंड दे हैव बीन इग्नोरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी पोर्शन, ओनली फोकसिंग ऑन द लेटेस्ट डेवलपमेंट, देर कुड बी सम डिस्टर्बेंसेस इन देम। सो not a right trend for the humanities background, that's what I'll say sir. First question ही मुझे दिख रहा है कि water can be dissolve more substance than any other liquid, not dipolar nature, और ये सब बहुत लोगों को हो सकता है कि ग्रीक एंड लैटिन भी लगे, क्योंकि डायपोल वगैरह की बात शायद जहाँ तक मुझे आता है क्लास 11th या 12th में सॉल्यूशन वाले चैप्टर में की जाती है, तो थोड़ा सा it could unsettle जो मुझे लगता है। मोर प्रोबेबली अतुल सर आपको याद होगा कि 2008-09 सब के टाइम में यूपीएससी एक अच्छी ट्रेंड लेकर के आई कि जो हाउस होल्ड टेक्नोलॉजी हो, चाहे जो कॉमन टेक्नोलॉजी की बात हम लोग करते हैं, जो हम यूज़ करते हैं, जो देखते हैं, फॉर एग्जांपल आई विल से कि सड़कों पे रेड लाइट रिफ्लेक्टर लगा रहता है तो किस साइंटिफिक फेनोमेना को यूज़ करता है, चाहे जो लोग लीकर लेकर के ड्राइविंग करते हैं और ड्रंक ड्राइविंग करते हैं तो वो मुंह में इंसर्ट करते हैं ट्रैफिक पुलिस, क्या फेनोमेना है, इस टाइप के क्वेश्चंस यूपीएससी ऑफन पूछती आ रही है, कितना केल्विन का ट्यूबलाइट हम यूज़ करते हैं। आई थिंक दैट ट्रेंड हैज़ बीन रिपीटेड वंस अगेन, क्योंकि कुछ वैसे क्वेश्चंस मुझे मिले हैं, सिमिलरली कुछ क्वेश्चंस का रिपीटेशन भी है, और कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि यूपीएससी अपने अदर एग्जामिनेशंस में पूछती रही है पर सिविल सर्विसेज में नहीं पूछी सर। आई विल कम टू दैट वंस वी आर डिस्कसिंग वन बाय वन। अदरवाइज ओवरऑल मैं कहूंगा कि इट इज ऑन एक्सपेक्टेड लाइन। हम लोग तो आप जानते ही हैं कि किस तरह से लोगों को एडवाइस करते हैं कि इस तरह की चीजें को पढ़ो, एंड आई थिंक दोज हु हैव फॉलोड अस डेफिनेटली मस्ट हैव डन वेल, एंड अतुल सर यू नीड टू कॉन्ग्रेचुलेट आवर अतुल्या टीम who has prepared the material and delivered here, because sir, in polity and history I see lot of questions that has been asked from the Atulya program. You must congratulate sir. Yes, in fact jab prelims Atulya ke liye hum logon ne is series ko conceive kiya tha, it was end July jab hume laga ki kuch karna chahiye, we are new to this coaching industry, हमारे पास अभी कुछ महीने हुए हैं हमें यहाँ पे अपना, थोड़ा सा मैं रुकूंगा आपको, इंस्टीट्यूशनली हम लोग तो न्यू जरूर हैं, लेकिन आपका 35 साल का, मेरा ऑलमोस्ट 16 प्लस और 17 प्लस ईयर का एक्सपीरियंस, आई थिंक इफ वी ऐड बोथ ऑफ अस, आई मीन इफ वी ऐड द एक्सपीरियंस ऑफ टू ऑफ अस, दैट विल बी इक्विवेलेंट टू 52 ईयर्स। सो या इंस्टीट्यूशनली द नेम इज न्यू, but let me tell you friends, trend wise or understanding the examination,
आई डोंट थिंक एनी कैन एनी इंस्टीट्यूशन कैन मैच अस द होलिस्टिक अप्रोच वी हैव बीन अडॉप्टिंग एंड प्रोवाइडिंग एंड टेलिंग द कैंडिडेट्स आई विल कम टू दैट हाउ what we have done, what we have put in our test series. So suddenly I am remembered by the question permaculture. Yes. And I remember my team had given the question on mulching. Yes. Why they have asked that, I'll talk later on. But then this is how we have done. I remember one infographic was done by our team on pangolin. I remember the one point was there where it has been written ki just to protect itself from the predator, pangolin rolls its body. I think, sir, it must be shared among the students on the different social media posts so that they could appreciate our effort. So I don't know where I stopped you. I stopped you when you were saying ki institutionally we are new. So friends, we are not new. Our experience are there. Our faculty member are there who are highly experienced, and two of us are there to lead them. Sir, in fact. थोड़ा सा और मैं इस चीज़ पे बात करूंगा. हमारे सामने जब हमने शुरू किया था ये इंस्टीट्यूशन AQBIAS, देर वर टू अपॉर्चुनिटीज़. एक था मेंस का रिजल्ट आया था 2020 का, एंड हमारे सामने एक अपॉर्चुनिटी थी कि हम इंटरव्यूज़ करें एंड उसके लिए हम लोग स्टूडेंट्स को गाइड करें. बट हमारे लिए दूसरा था कि हम जो नेक्स्ट एग्जाम में 2021 में जो लोग अपीयर हो रहे हैं, और इस टफ टाइम में जहां की कोचिंग और हेल्प मिलना बहुत मुश्किल था, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे काफ़ी कुछ काम हो रहा था, तो हमें लगा कि वी शुड टेक ए रूट विच इज लिटिल लॉन्गर, बट जहां पे कि हम लोग कुछ काम कर सकते हैं. हो सकता है कि हम इंटरव्यूज करते तो उसमें टॉपर्स के नाम को हम लोग एंडोर्समेंट और इन सब चीज़ें, मुझे जो लगता है पिछले 30-35 सालों में मैंने इन सब चीज़ों को प्रतियोगिता दर्पण में बहुत कवर किया है. आई हैव इंटरव्यूड मोर देन 1350 IAS टॉपर्स, IAS, IPS, IRS डिफरेंट. बट मुझे हमेशा लगता है कि हम लोग कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को ज़्यादा ही क्रेडिट लेने की बातें करते हैं. इट्स ऑल एफर्ट्स ऑफ द स्टूडेंट्स, द टॉपर्स हु मेक इट and make it to the list. So coming back to the subject, हम लोग जब बात कर रहे थे प्रीलिम सतुल्य के बारे में, तो लोग जिस तरह से कवरेज करते हैं, हमें लगा कि शायद करंट अफेयर्स की कवरेज तो हम लोग अपनी YouTube पे वैसे ही कर रहे हैं, बट वाई नॉट टू टच स्टैटिक पार्ट ऑल्सो. एंड दैट्स हाउ दिस थिंग केम अप. एंड हम लोग की टीम ने पहले उस चीज़ पे रिसर्च किया. हमारे सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज था 60 डेज में स्टेपस को कवर करना, बट हमने एक चीज़ सोची कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी और एनवायरनमेंट, इन पांच चीज़ों को जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जनरल स्टडीज सिलेबस के, एंड इतने शॉर्ट पीरियड के अंदर 60 वीडियोस आपके सामने डेली लाना, एवरी नाइट एट 10 o'clock वी वर देयर विद आर प्रीलिम्स अतुल्य सीरीज, एंड इट्स ग्लैड, आई एम रियली ग्लैड टू सी. अगर यहाँ से कुछ क्वेश्चंस ऐसे नज़र आते हैं दस प्रीलिम्स के पेपर वन में, जो शायद अगर जिन लोगों ने वीडियोज़ देखे होंगे उन लोगों को बहुत हेल्प मिली होगी इससे. रेस्ट्रिक्ट दोज मटेरियल्स एंड इवन वीडियोज टू बी हाईली एम्फेटिक, एंड एंड वी हैव ट्राई टू कवर द थिंग्स फ्रॉम द basic sources, and since I have gone through the write-ups that have been prepared by our team, I remember 80-90% things have been quite similar to what UPSC has asked, because it seems even they have picked up the things from the basic source. And it could be one of the things to which is doing the rounds, people say ki UPSC examination aise karo waise karo din bhar pagal bane raho. So no, it's not like that. Stick to the normal source. And after all, a student cannot refer to many sources. So basic sources को पढ़ेंगे और करते रहेंगे तो सर चीज़ अच्छा ही हुआ है, अच्छा ही होगा. थोड़ा मोड़ा हिस्ट्री के क्वेश्चंस में मुझे लगता है कि टफनेस है, बट देन दैट्स द फाइनेस्ट एग्जामिनेशन ऑफ द कंट्री. कुछ टफनेस नहीं रहेगा तो वो भी मजा नहीं आएगा. दैट विल सेग्रीगेट द एंड देर शुड बी सम सेग्रीगेशन की हु हैज पुट इन लॉट ऑफ एफर्ट, हु हैज पुट लिटिल बिट लेसर देन दैट. But then they have tried to cover the basic things which we have talked earlier,
I think so. We should start now with regard to the questions. Yes, please. A little I would add, जहाँ से आपने शुरू किया था साइंस जनरल साइंस के बात करते हुए, हम लोग मैं हर बार शायद अगर जो लोग मुझे वॉच करते हैं मुझे पढ़ते हैं प्रतियोगिता दर्पण में या आईएएस फैशन पे, मैं हमेशा से कहता रहा हूँ इट्स एग्जामिनेशन विच इज परसेप्शन बेस्ड, और परसेप्शन एक जो बन जाती है हमारी कि ये ट्रेंड में है, ये चलता है, ये काम करता है, और हम लोग ब्लाइंडली फॉलो करते हैं उस चीज़ को. व्हाट आई फील द बेसिक थिंग इज आप यूपीएससी जो कहता है उसको फॉलो करें और उसको समझें. अब जैसे हम बात कर रहे हैं कि जनरल साइंस के जिन क्वेश्चंस के लिए, ठीक है, लोग आजकल बात करते हैं जो लेटेस्ट है, कहीं कुछ क्या है इन्वेंशन है, कहीं कुछ कोई नई चीज आई है उसके बारे में बात करें, बेसिक्स को छोड़ के चलते हैं कि नहीं यार साइंस एंड टेक में तो जो भी आएगा वो ऑलमोस्ट करंट होगा कि पिछले 6-8 महीनों में साल भर में. सो यूपीएससी को रीड करना और एक प्रिडिक्टेबल कहना, मेरे को तो समझ में नहीं आता हम लोग कैसे तैयारी करते हैं. सो एक होलिस्टिक अप्रोच की बहुत सख्त जरूरत है, एंड आई थिंक जो लोग इस अप्रोच से अपनी प्रिपरेशन करते हैं उन लोगों के लिए प्रीलिम्स पास करना आसान है. यहाँ पे लोग बात करते हैं हिंदी मीडियम के लिए, वंस अगेन मैं कहूँगा मेरी एक कमज़ोरी है बिकॉज मेरी जो पहचान बनी है वो हिंदी से बनी है. मुझे जो कुछ भी कैंडिडेट से प्यार मिला, मेरे को जो जितना भी एक रिकग्निशन मिला वो सब प्रतियोगिता दर्पण की वजह से है, जो प्रतियोगिता दर्पण पहले हिंदी में आती थी और वहाँ से जो मेरा कनेक्ट शुरू हुआ स्टूडेंट्स के साथ में. मैं फिर से एक बार कहूँगा कि आई डोंट नो कैसा लोगों का एनालिसिस होगा, क्योंकि हिंदी मीडियम के जो लोग बात करेंगे वो लोग अच्छी तरह से एक्सप्लेन करेंगे इस चीज़ को. पर इस पेपर को देख के मुझे लगता है कि जो लोग हम एक फ्रेज सुनते हैं बैक टू द बेसिक्स, हर बार ये चीज़ हर एग्ज़ाम के बाद ये एक फ्रेज ट्रेंड में आता है, बट उस चीज़ को हम फॉलो कितना करते हैं. जो लोग फॉलो करते हैं, और अगर इस बार आप नहीं फॉलो कर पाए इस चीज़ को, तो आप अगली बार की तैयारी के लिए आज से ही एक कमिटमेंट करें अपने आप से कि यू विल फॉलो व्हाट इज़ रिक्वायर्ड फॉर दिस एग्जामिनेशन. आप अगर ट्रेंड को रीड नहीं कर पाएंगे, आप अगर सिर्फ फॉलो करते रहेंगे लोग जो कहते हैं और उस चीज़ के पीछे चलते रहेंगे, तो इट वुड बी ऑलवेज डिफिकल्ट टू क्रैक दिस प्रिलिम्स. वंस अगेन कमिंग बैक टू द पेपर GS1 पेपर अन सर, जहाँ आपने बात की कि साइंस वालों को कहीं एज मिला होगा साइंस के क्वेश्चंस, साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स को, मुझे लगता है पॉलिटी में कुछ क्वेश्चंस हैं बिल्कुल केक वॉक हैं. सो बैलेंसिंग जरूर हुई है. बिना आपको समय वेस्ट करते हुए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पे. थोड़ा सा मैं रिलीवेंस बता दूंगा. सी जनरली व्हाट वी से प्रीलिम्स के टाइम में, यदि मैं अभी सबसे पहला पोर्शन साइंस एंड टेक को डील करता हूँ, साइंस एंड टेक में हम हमेशा कहते हैं कि लेटेस्ट डेवलपमेंट पे ध्यान रखिए, क्या न्यूज़पेपर में चल रहा है, क्या एक्टिविटी चल रही है, और अप्लाइड साइंस पे ध्यान देने के लिए कहते हैं, या जो टेक्नोलॉजी अप्लाइड इन द सेंस की जिसको हम यूज़ करते हैं उसके बारे में ज़रूर जाने. जैसे पहले क्वेश्चन पूछते थे कि हम रिमोट यूज़ करते हैं तो कौन सा रे यूज़ होता है, टूथपेस्ट यूज करते हैं तो कौन सा केमिकल यूज होता है. आई थिंक दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड लास्ट ईयर आल्सो. आप सोडियम लाइट और एलईडी वाले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं. जी जी, तो मैं वहीं पे आता हूँ. पहला क्वेश्चन तो हमने बताया ही था कि वाटर डिजॉल्व किस में, वाटर कैन डिजॉल्व मोस्ट सब्सटेंस देन एनी अदर लिक्विड बिकॉज ऑफ, तो साइंटिफिक रीजन पूछ रही है, जिनको आता है उनको कोई दिक्कत नहीं होगी. नेक्स्ट क्वेश्चन है एलईडी लैंप्स पे. सी एलईडी एलसीडी वी हैव बीन डूइंग थ्रेडबेयर. I don't think how many times you might have been touching these topics. And I remember UPSC had earlier asked the questions on ki vapor lamp mein hum kaun sa gas use karte hain. So I think kahin na kahin unse milta julta question hai. LED hai, sodium lamps ki baat kar rahe hain. A general question on the applied science and technology, I'll say. Aisa nahi hai ki corona ka question sab nahi pucha gaya hai. Corona to directly nahi pucha hai unhone, lekin वायरस, फंगाई, फंजाई, बैक्टीरिया, इन सब की बात तो चलती ही रही है एवर सिंस दिस कोरोना है जस्ट स्प्रेड. तो इनडायरेक्टली दे हैव आस्क्ड क्वेश्चन ऑन टर्म S2 व्हिच इज समथिंग विथ रिगार्ड टू वायरल डिजीज. मैं समझता हूँ ये क्वेश्चन लेटेस्ट ट्रेंड का है.
बिस्फेनॉल ए वाला क्वेश्चन है, प्लास्टिक पॉल्यूशन पे हम लोग बहुत सारी बातें करते हैं और बिस्फेनॉल ए के बारे में भी पूछा है इधर प्रीलिम्स और मेंस समवेयर आई बिलीव इन 2014 और 15 सर. तो अगेन आई विल से इट्स अ रिपीटिशन ऑफ द सेम थिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन ट्राइक्लोसैन. सर यू मस्ट बी रिमेम्बरिंग देयर वाज अ लॉट ऑफ ह्यू एंड क्राई अबाउट द मोनोसोडियम ग्लूटामेट. इट वाज इन द न्यूज फॉर अ लॉन्ग टाइम 4-5 इयर्स बैक. आई वाज सरप्राइज्ड व्हाई यूपीएससी डिडंट आस्क एनी क्वेश्चन ऑन दैट. So somewhere or other, it's a repetition of the same thing because MSG bhi food preservative mein use hoti thi ya food packed foods mein use hota tha aur triclosan kahin na kahin food preservative se related hai to usko use kiya gaya hai aur main samajhta hu ki it's typical bang on the trend. Similarly sir, next question pe yadi main move karta hu astronomical लाइट ईयर डिस्टेंस को मेजर करने के लिए हम लाइट ईयर को क्यों इस्तेमाल करते हैं. बेसिक क्वेश्चन विच यू एवरीबॉडी स्टडीज इन क्लास 6th, 7th, 8th, 9th. टिल देयर आफ्टर 7th to 10th क्वेश्चन जो हमारे पास हैं सर, दैट इज पर्टेनिंग टू पॉलिटी. मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन फेमिलियर हैं लोगों के लिए. राइट टू प्राइवेसी, देयर इज नथिंग मच टू टॉक अबाउट. लेजिस्लेशंस में ब्रिटिश पार्लियामेंट और अपने को कंपेयर करने के लिए कहा गया. आई थिंक दीज आर द इजी क्वेश्चंस. एक क्वेश्चन है जिसमें कि लॉ, देयर इज नो लॉ रिस्ट्रिक्टिंग द कैंडिडेट्स फ्रॉम कंटेस्टिंग इन वन लोकसभा इलेक्शन. पीपल आर स्मार्ट इनफ, दे हैव आस्क्ड वन, दे हैव गिवन वन स्टेटमेंट विथ रिगार्ड टू देवीलाल कंटेस्टिंग फ्रॉम 3 लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी. Maybe these candidates might not be remembering these things, so it could be little bit of unsettler, but these days people are smart enough to mind the language of UPSC. I believe if UPSC is taking any cognizance of these statements, which is doing rounds this year. Sir, I have come across people who tell me ki I can bet ki nahi UPSC ye statement likhi hai to iska matlab yahi hoga. I don't know unko kaise itna mind reading karne ki capacity hai. जस्ट हैविंग रिटन एग्जामिनेशन वन और वंस और ट्वाइस, हमें तो नहीं है सर, क्योंकि इट कैन एनी टाइम गो रॉन्ग. बिल्कुल सर, वैसे भी यहाँ पे फिर मैं बात करूँगा, जैसे सेलेक्टिव स्टडी पे कई बार बच्चे आ जाते हैं, कई बार चीज़ें बात करते हैं कि यार ये मेरे ट्रेंड में नज़र नहीं आ रहा तो मैं इस चीज़ को छोड़ के चलता हूँ. द फ्यू थिंग्स विच फिगर इन योर प्रिपरेशन, जहाँ उन सब चीज़ों को एज पार्ट ऑफ योर रेगुलर स्टडी, यहाँ पे आप जो जिस तरह का ये हमने इलेक्शन के क्वेश्चन की बात की, लोकसभा इलेक्शन 91, देर आर फ्यू थिंग्स कुछ रेफरेंसेस हैं शायद आप पढ़ते हैं उस टाइम में, कहीं भी आते हैं तो आपके बैक ऑफ माइंड वो उस तरह की इंफॉर्मेशन स्टोर होनी चाहिए, और अगर स्टोर है तो बहुत इजी हो जाता है आपको रिलेट करना क्वेश्चन को. एंड सिमिलरली जैसे हम 7th क्वेश्चन में देख रहे हैं ब्रिटिश मॉडल की जहां बात हो रही है, कहीं कहीं कई बार होता है कॉन्स्टिट्यूशन बेंच वाला जो क्वेश्चन लोग रिलेट करने में कहीं थोड़ा सा बेसिक क्वेश्चन है सर, लोग पढ़ करके इसको कर सकते हैं. नेक्स्ट वी कम टू पोर्शंस व्हिच मेनली पर्टेंस टू ज्योग्राफी. अगेन आई विल से नॉट टू टफ. सवाना वेजिटेशन के बारे में पूछा है. आई थिंक पीपल हु रीड ज्योग्राफी इवन माइट हैव स्टडीड ज्योग्राफी फ्रॉम द एनसीईआरटी लेवल ऑल्सो, दे माइट हैव बीन एबल टू करेक्ट इट. नेक्स्ट क्वेश्चन सर, ग्राउंड वाटर और क्या कहते हैं रिवर लेक एंड ग्लेशियर्स के बारे में पूछ रहे हैं कि कौन सा ज्यादा है, कहाँ मतलब विच हैज़ द हायर क्वान्टिटी. See sir, last year also they had asked one question on groundwater because central government had done groundwater mapping. So, जहाँ भी resources की बात आती है, my dear friend, keep on reading, don't miss it. तो ये भी कहीं ना कहीं water resources से question है. I fully remember even last year they had asked question on forest and water resources in the mains as well. And don't be surprised if they keep on asking questions on similar pattern even in the mains. एक little bit shift मुझे दिख रहा है sir. Generally crops के बारे में पूछते हैं. 13th क्वेश्चन मैं देखूंगा, यहाँ पे मेनली मोरिंगा और टेमरिंड को लेके डिफरेंट टाइप के स्टेटमेंट दिए हुए हैं. तो कहीं ना कहीं टेमरिंड और मोरिंगा पे पूछने का मतलब है कि थोड़ा सा जनरल क्रॉप से हट करके इन लोगों ने थोड़ा सा दूसरे तरफ गया. लेकिन मैं क्यों कहूँ, आई रिमेंबर अगेन 15 और 14 देर वाज अ क्वेश्चन ऑन विच इज योर क्वाइट फेवरेट गुआर गम. तो उसकी भी टेक्नोलॉजी में यूज थी. और यहाँ भी आई एम नॉट एन एक्सपर्ट सो आई कांट कोट व्हाई दे माइट हैव आस्क्ड इट, बट कहीं ना कहीं हमें सेल्फ सफिशिएंसी के ओर चलना है. तो मे बी कि स्पाइसेस वगैरह के
तरफ कुछ हो यूज, आई एम नॉट फुली श्योर, आई शुडन्ट अननेसेसरली थ्रो लाइट ऑन दोज थिंग्स. अगेन सर, ब्लैक कॉटन सॉइल इंडिया हैज बीन फॉर्म्ड ड्यू टू द वेदरिंग ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सॉइल पे क्वेश्चंस पूछे जाने हैं और पूछेंगे ही, मेंस में भी पूछे हैं तो प्रीलिम्स में भी पूछेंगे ही. नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है सर वेक्टर वैक्सीन वगैरह के बारे में, इट इज क्वाइट डूइंग द राउंड्स बिकॉज ऑफ कोरोना एंड ऑल, सो नॉट अ टफ क्वेश्चन, तो मैं कहूँगा करेंट में इन लोगों ने रखा है, इवन यदि साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात होगी. सर नेक्स्ट क्वेश्चन है 16th माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज के बारे में है. अगेन आई रिमेंबर NDA परहैप्स दे हैव आस्क्ड ट्वाइस और थ्राइस द क्वेश्चंस ऑन माइटोकॉन्ड्रियल DNA, व्हाई दे हैडंट आस्क्ड इन सिविल सर्विसेज, बट एट लास्ट इट हैज बीन आस्क्ड. जब सेबियम डिजाइनर बेबी की बात करते हैं तो माइटोकॉन्ड्रियल DNA चर्चे में थी. आई थिंक वी हैव गिवन समथिंग ऑन द सेवियर बेबी पे भी हम लोग लास्ट टाइम में कुछ मटेरियल दिए थे. आई डोंट नो हु हैड गिवन इट, बट देन इट वाज डन हियर. तो हो सकता है कि मेंस में सेवियर बेबी पे क्वेश्चन पूछ लिया जाए. आई वांट टू बी सरप्राइज्ड. दैट्स व्हाट आई वाज सेइंग. मैंने जब इस पेपर को देखा और क्वेश्चंस को देखने के बाद मुझे लगता है कि शायद एक आपको मेंस में क्या आने जा रहा है उसका एक इंडिकेशन इस प्रीलिम्स पेपर से UPSC आपको एक क्लियर इंडिकेशन देती है. सो probably you can look at all these topics and relevance and us relevance ko agar aap apni taiyari mein kahin na kahin consider karte hain, so you'll find handling mains exam also in a better way. Sir, a question hai pressure cooker pe. Again I'll say from basic science, culturing of bacteria, fungi and virus ke bare mein hai, wo bhi basic science ki question hai. Adenovirus and retrovirus ki baat kar rahe hain ek question mein, तो वो भी सर काफ़ी चर्चे में ये सब है, तो मुझे नहीं लगता है कि दैट वे इट इज़ लिटिल बिट टफ. सिमिलरली सर, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ, राइट टू सिटी, यूएन हैबिटेट. अगेन दिस थिंग्स क्वाइट ऑफन कीप ऑन कमिंग इन द न्यूज़पेपर, तो कहीं ना कहीं हम बेसिक और प्रेजेंट इस हैपनिंग्स को लेते हुए ही क्वेश्चन बनाया गया है. बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर, कुछ नहीं इसमें मुझे ज़्यादा वो टफनेस लग रहा है. बट देन those who have been following only trend 2020 के trend को लेकर के पढ़े हैं या 19 को लेकर के, they may be for them it could be an unsettler. Sir, next question मैं देख रहा हूँ prisoner of war, judicial custody, not prisoner of war, rather parole rules के बारे में है. Quite often we see these things coming in the newspaper. Forest Riot Act के बारे में quite often questions पूछी जा रही है. I remember कि PVTG पे 2-3 बार लगातार question पूछा गया है. Then legislations which confers on the executive or administrative authority. कोई tough question नहीं है. I think NCERT has covered very nicely these topics. I can definitely say, sir. So even a good reading of NCERT will can see someone through. Sir, polity के सारे questions लगभग ऐसे ही हैं. Again we find the questions on liberty, citizenship, which is favorite of UPSC. As we are talking sir permaculture ke bare mein, let me tell every candidate, see 3-4 years back UPSC has started asking the questions on climate resilient agriculture, sir. Why? It's not the favorite, but it's the need of the people. That's why they have been touching these topics in some way or other. I remember 3-4 years back there were 4-5 questions on climate resilient agriculture, and all those experiments or all those projects were had been undertaken by FAO, Food Agriculture Organization. So we have made lot of videos. Yes. Sir, thank you, sir, that you triggered me. We have done about FAO. Not only that, there's one video of ours where we have talked about the salt resistant crop. Then we have talked something on there was some news on some something on in Sundarban. I think we have covered one video on that. So we have definitely kept our nerves the kind of topics UPSC has been asking. That's why current affairs topics we have covered. If it's not exactly the same, at least it is the kind of area UPSC has been referring to. We have made those videos on the in our daily current affairs program. Moving further, sir. I remember you only were talking to me with regard to that palm oil, and you had advised your team ki palm oil pe ek video banao bhai. So
ऑफ कोर्स पाम ऑयल वाज इन द न्यूज सो इट इट एग्जैक्टली सो इट्स वेरी इजी फॉर पीपल टू कवर दीज थिंग्स एंड रिवर और फॉर दैट मैटर ड्रेनेज सिस्टम हैज बीन अ फेवरेट टॉपिक एवरी ईयर सो आई सी सम क्वेश्चंस ऑन रिवर सिस्टम एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन आई फाइंड दे हैव आस्क्ड सम अगेन इट्स अ पार्ट ऑफ ड्रेनेज सिस्टम सर सेलाइन लेक्स के बारे में क्वेश्चन है दिदवाना कुंचा मान सरगोल ये सब क्या हैं आई बिलीव इट इज सेलाइन लेक्स ओनली वाटर सिस्टम वाटर रिसोर्सेस ड्रेनेज सिस्टम टॉप ऑफ ऑल सर 34 क्वेश्चन का सर पार्ट ऑफ ए देखिएगा फॉर लास्ट 2-3 ईयर्स दे हैव बीन आस्किंग क्वेश्चन ऑन ग्लेशियर्स इफ पीपल हु आर स्मार्ट इनफ एंड दोज हु आर प्रोपोगेटिंग तिक्रम वाला क्या कहते हैं सिस्टम वो तो कहेंगे कि ग्लेशियर पे मार लेना क्योंकि ग्लेशियर पे पूछे जा रहे हैं तो इस बार भी साइट ऐसे ना दे करके सर पूछा जा रहा था ग्लेशियर को मैच करो उसके रिसोर्सेस मतलब कहाँ पे हैं वो साइट से तो हो सकता है लोग ग्लेशियर पे मार लें आई वॉन्ट बी सरप्राइज दैट वे अनटिल अनलेस पीपल आर फ्रॉम राजस्थान हु माइट बी नोइंग ऑल दीज थिंग्स तो कहीं ना कहीं चीज को पकड़ के ही रखे हैं ग्लेशियर सिस्टम मैंग्रोव एरिया रामसर साइट सेलाइन लेक्स लोग पढ़ते ही पढ़ते हैं पीपल वर रियली लुकिंग फॉर रामसर साइट्स बिकॉज़ अभी रिसेंटली इंडिया को इतनी साइट्स रिकॉग्नाइज हुई हैं यूनेस्को लिस्ट में आई हैं तो यहां पे गलती यहां काफी करने के चांस हैं हां जी लोग समझेंगे कि रामसर साइट ना हो या तो ग्लेशियर चाहे रामसर साइट क्योंकि नाम बहुत फेमस नहीं है अगेन रिवर सिस्टम पे ही बात है स्टैंडर्ड की साइट जी जी वीरा सो quite similarity in name even sir consider the following rivers ab dekhiye eastern ghat ke origin ke bare mein puch rahe hain aur ye bhi ek favorite area raha hai upsc ka time and again they have been asking in different examination of upsc be it nda cpf or elsewhere remember hum log jab apni achuk series ke liye questions frame kar rahe the usme humne kaveri river ke bare mein kiya tha ki kahan aur बिकॉज हम लोग जब एक ट्रेंड को फॉलो कर रहे थे कि व्हाट यूपीएससी एंड क्योंकि न्यूज में है चीजें तो प्रॉब्ली एक उसी लाइन पे ही है एग्जैक्ट वो सेम क्वेश्चन नहीं है बट क्वेश्चन उस तरह का ही है तब तो फिर हम क्या कहूँ पीपल आर स्मार्ट इनफ टू अंडरस्टैंड मी अंडरस्टैंड अस ग्लोबल ओशन कमीशन के बारे में पूछा है रेयर अर्थ मिनरल से रिलेटेड चीज भी पूछे हैं अगेन रेयर अर्थ मिनरल सब सर काफी न्यूज में रहती है सर 2018 का जो एक रिपोर्ट आया था रेयर अर्थ मटेरियल्स का उसके बाद से काफी कुछ चीजें और अभी रिसेंटली अफगानिस्तान के कॉमनवेल्थ वो जो रशिया का सीआईएस कंट्रीज पर्टिकुलरली चाइना का इंटरेस्ट अफगानिस्तान में उन सब चीजों में कहीं ना कहीं रेयर अर्थ मटेरियल्स के बारे में हम लोग whether I am right or wrong I don't remember but something with regard to rare earth Rajasthan mein bhi kuch demarcation kiya gaya hai aur us pe bhi kaam chal rahi hai and then I believe that question has some semblance in our test series sir because I fully remember I had read that question again water efficient list water efficient crop pe puche hain these are on the tropic I mean typical topical issues I will say again climate smart agriculture pe pucha hai sir question तो मैं कहूँगा ओवरऑल ये तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ट्रेंड को पकड़ करके रखा गया है लीफ वाला कोई क्वेश्चन है सर लीफ लीटर्स के बारे में कॉनिफेरस फॉरेस्ट ये सब तो बहुत आराम आसान से बनने वाला क्वेश्चन है राइट टू इक्वालिटी वगैरह भी बहुत आसान है सर इसमें कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि मुझे लगता है कि बहुत टफ हैं इवन एनसीईआरटी रीडिंग से चल जाएगा सर एक नया ट्रेंड मैं देख रहा हूँ लोग पागलों की तरह आर्ट एंड कल्चर पढ़ते हैं एंड आई डोंट नो वेदर आई विल कोट द यूपीएससी क्वेश्चन इटसेल्फ इज इट टाइम एफिशिएंट इन द सेंस यू रीड सो मच एंड वन और टू आउट क्वेश्चंस आर आस्क्ड बट अभी मैं देख रहा हूँ सर इसमें क्वेश्चन पूछा गया है हाल भी हो कोई इट एंड टू माई नॉलेज इट पर्टेंस टू ट्राइबल लैंग्वेजेस तो आर्ट एंड कल्चर में लैंग्वेज पे क्वेश्चन सर मुझे रिसेंट पास्ट में तो याद नहीं आ रहा है mostly they have been asking music dance this and that architecture literature lekin language pe pucha hai to it's again it could translate into a trend I won't be surprised yes here I would like to add hum log jaise upsc ki cheezon ko dekhte hain aur agar main baat karu rajendra nagar market mein old rajendra nagar mein
all bookshops are flooded with material related to art and culture and whatnot, everything they try to cover. But UPSC, शायद मेरे को ये बताने की भी ज़रूरत है कि काफ़ी कुछ चीज़ों को वो लोग ध्यान में रखते हैं और यहीं पे अनप्रडिक्टेबल क्वेश्चन पेपर्स बन जाते हैं. हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि यूपीएससी हम जो पढ़ रहे हैं उसमें से क्वेश्चन पूछे, बट यूपीएससी एज एग्जामिनर वो करते हैं जो उन्हें करना है. क्या कहते हैं सर? 100% सर. एक और नया ट्रेंड में क्या कहूँगा, whether it goes on for a year then only we can say it will be a trend, but then yes, for a long time UPSC had not been asking in civil services anything with regard to sports. The last time I remember they asked something in the mains examination was F1 race wala kuch tha, aur commonwealth games ke bare mein kuch puche the, but having seen 3 questions from the sports, really it's a matter of some sort of confidence for the people who are avid exponent or avid reader of news when it comes to a sports section. सर, इस बारे में मैं कहना चाहूँगा, हम लोग प्रतियोगिता दर्पण में जो कवरेज देते हैं स्पोर्ट्स का, और 2010 से पहले एक जो ट्रेंड हुआ करता था वहाँ पे लोग स्वेयर करते थे प्रतियोगिता दर्पण के बारे में, एंड उसके बाद अब कई बार जब जिक्र होता था कि आप बैलेंस मैगजीन ये वो, कि आप स्पोर्ट्स को कुछ ज़्यादा पेज देके चलते हैं, कुछ ज़्यादा स्पेस देके चलते हैं, प्रॉब्ली आंसर इस पेपर को देखने के बाद मिलता है कि हम लोग प्रतियोगिता दर्पण में जो भी करते हैं काम उसमें एक बैलेंस रखने की कोशिश करते हैं, और हम लोग एग्जाम से रिलेटेड चीज़ों को, ठीक है कोई चीज़ ट्रेंड में है, क्वेश्चन आते हैं नहीं आते, यूपीएससी कई बार बिकॉज इट्स ए वास्ट सिलेबस, और उसमें और यहाँ पे फिर एक चीज़ मैं और भी कहना चाहूँगा, जो लोग तैयारी करते हैं वो तैयारी के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूएंट्स वाइज कि मेरे को हिस्ट्री में करना है, मेरे को पॉलिटी में करना है, मेरे को ये तैयारी, वंस अगेन मैं रिपीटिशन है मेरा वर्ड्स का, होलिस्टिक अप्रोच जब तक नहीं है आपकी यू कैन नॉट कवर, एंड आप यूपीएससी से हमेशा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस तरह की चीज़ें जहाँ की पुराना ट्रेंड फिर दोबारा से वापस ले आएँ. सो मैं सरप्राइज नहीं हूँ इनको स्पोर्ट्स के रिलेटेड क्वेश्चंस को देख के. इसी तरह से सर, ये भारत रत्न और पद्मा अवार्ड्स और ये सब चीज़ें इतनी पिछले 3-4 सालों में इतनी डिबेट हुई है इन चीज़ों में कि शायद पढ़े ही होंगे. बिल्कुल बिल्कुल, और मूविंग फर्दर मैं जब इकोनॉमी का क्वेश्चन सब देख रहा हूँ सर, नॉर्मल सी नॉर्मल क्वेश्चन ही है. इनफैक्ट आई रिमेंबर वन क्वेश्चन हैड बीन आस्क्ड इन ईयर 2013, इट्स कंप्लीट रेप्लिका ऑफ दैट अबाउट द इन्फ्लेशनरी इफेक्ट. I mean, which of the following is likely to be the most inflationary effect in its effects? 60th question hai sir. Ye to repetition hi hai. Aur jo bhi puche gaye hain, simple conceptive question puche gaye hain. In between, I come across a question on employment provident fund. People should not be surprised why they have asked in the preliminary, I mean, economy section, or maybe why they have asked. See, these are the things of Ministry of Labour wala jo yearbook mein cheez hota hai sir, wahan se liya gaya hai. तो ईयर बुक अभी भी रेलिवेंट है, प्लीज डोंट इग्नोर. एंड जैसा सर आप बोल रहे थे कि ट्रेंड का तो आना जाना लगा रहता है, जिस तरह से हम लोग फैशन में भी कभी टाइट पहनते हैं, कभी लूज पहनते हैं, कभी कंफर्ट पहनते हैं, सिमिलरली जैसे मैं इन्वायरमेंटल साइंस की बात करूं, दोनों चीज उन्होंने पूछा. जी 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 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के बारे में. जी 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 जी. इन लास्ट 1-1.5 ईयर देयर आर लॉट ऑफ डेवलपमेंट बैंक्स हैव कम इनटू. So, for some reason or other, they have been in the news. Were for wrong reasons. That's what. I didn't want to say that, but then you have pinpointed it. और बैंक के मर्जर वगैरह तो काफी रहे हैं, तो मनी बैंकिंग फाइनेंस तो चलता ही है सर. मैं यहाँ एक चीज पॉइंट करना चाह रहा था सर, इकोलॉजिकल साइंस के बारे में, कि फूड चेन फूड वेब पे क्वेश्चन छोड़ दिए थे पूछना यूपीएससी, बट अगेन आई सी दोज क्वेश्चंस. सिम्बायोटिक रिलेशनशिप पे क्वेश्चन मैं देख रहा हूँ, तो दीज आर इकोलॉजिकल साइंस. सो माय डियर फ्रेंड्स हु आर रीडिंग इकोनॉमी इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, ओनली टेकिंग इनटू कंसीडरेशन बायोडाइवर्सिटी पॉल्यूशन दिस एंड दैट, बी वेरी, यूपीएससी कैन एनी टाइम टर्न इट्स बैक. मॉस्किटो रेपेलेंट पे मैं उस पे आ रहा हूँ सर. हाउसहोल्ड एग्जैक्टली, इनफैक्ट जब प्लांट्स के एप्लीकेशन की बात होती है, बायोडायवर्सिटी से मैं इसको कोरिलेट करूंगा,
कि और या प्लांट्स सर फ्यू इयर्स बैक दे हैड आस्क्ड क्वेश्चन कि जेट्रोफा बायोडीजल सिमिलरली कैंसर में कोई प्लांट उस टाइम में न्यूज में था ये इनके उनके बार की यूज होते हैं शायद तो इस टाइप के चीज तो इवन फॉर ए ब्यूरोक्रेट इट इज वेरी मच नेसेसरी टू नो सो इफ दे हैव आस्क्ड दीज क्वेश्चंस आई थिंक दे आर बैंग ऑन सर ओवरऑल मैं यही कहूंगा कि मिला जुला के क्वेश्चन बहुत अच्छा है इसमें जो आप शुरू में बात करते हैं जी जी देखिए आई रिमेम्बर आई हैड सिंस इट वाज माय इनिशिएटिव आई हैड आस्क्ड माय टीम कि सी लॉट ऑफ पेंगोलिन स्केल्स हैव बीन सीज्ड बाय उड़ीसा ऑफिशियल इफ आई रिमेम्बर करेक्टली सर तो पेंगोलिन पे क्वेश्चन बनता है एंड इंडेंजर्ड स्पीसीज है शायद सर तो इन सब चीज़ों को देखते हुए जरूरी था एंड यूपीएससी पिक्स द थिंग्स लाइक दिस सर आपको याद होगा तो साइट्स के बारे में सीआईटीएस वाला जो क्वेश्चंस है यूपीएससी बार बार पूछती रही है वाइल्ड लाइफ ट्रेड के बारे में पूछती रही है दिस पर्टेंस टू वाइल्ड लाइफ ट्रेड आई विल से फॉर दोज हु डोंट अंडरस्टैंड द थिंग्स सो वाइल्ड लाइफ ट्रेड हमेशा से एक एक टॉपिक हॉट टॉपिक रहा है एकेडमिकली इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये तो इन सब तरह के टॉपिक को ध्यान देते रहें फूड चेन फूड वेब की बात हम कर ही लिए सर सी बेड के बारे में पूछा है ब्लू कार्बन के बारे में पूछा है आई वॉज आस्किंग माई पर्सन सुमित कि भाई आप जब वो करोगे तो कॉपर वाला रेड कॉपर या ब्लू कॉपर जब सर वो स्कीम आया था मोनिटाइजेशन वाला एसेट मोनिटाइजेशन वाला उसमें आई हैड स्पेसिफिकली मेंशन टू हिम प्लीज कीप ट्रैक ऑफ दीज वर्ड्स यूपीएससी इज हाईली स्मार्ट आई रिमेंबर पी एल आई स्कीम में कुछ स्टील वाला वर्ड था आई एम नॉट एबल टू रिकॉल इट बट देन आई हैड आस्क्ड हिम टू गो थ्रू तो सर दिस इज हाउ वी ट्रेन आवर आई मीन दिस इज हाउ आवर टीम इज वर्किंग एंड नथिंग इज अननोन टू यू यू नो कि हाउ वी आर कवरिंग द थिंग्स रेदर वी आर ट्राइंग टू रिमेन क्लोज टू द नीड्स ऑफ द एग्जामिनेशन नो टाइम वेस्टिंग तो सर यही है थोड़ा सा हिस्ट्री मुझे लगा है टफ मे बी कि आई एम नॉट दैट मच स्मार्ट इनफ टू गॉज द टफनेस और टफनेस लेवल ऑफ द क्वेश्चन बट सर्टेन क्वेश्चन आर डेफिनेटली आई रिमेंबर आवर टीम हैड वर्कड ऑन दैट हर्षवर्धा वाला के क्वेश्चन है सर सर मोस्ट ऑफ दीज क्वेश्चन हमारा प्रेम सतुल्या में काफी कुछ हम लोगों ने इस चीज को कवर किया है और शायद जो आंसर हर्षा वाला आप बात कर रहे हैं जिन लोगों ने उस वीडियो को देखा होगा या उसके साथ जो हम लोगों ने पीडीएफ दिए हैं पीडीएफ में बड़ा क्लियर शायद आंसर नजर आ रहा है और उसमें किस तरह से आप आंसर को फिगर आउट कर सकते हैं वो बड़ा इजी रहा होगा अगर जिन लोगों ने उस चीज को पढ़ा होगा सर लास्ट टाइम में भी सर मैं समझता हूँ कि जो हमारे मिशनरीज थे उनके वर्क से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे थे तो डायरेक्टली दे हैव नॉट आस्क्ड बट देन सी सर क्वेश्चन नंबर 99 सेंट फ्रांसिस जेवियर वाज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर ऑफ द जेसुइट ऑर्डर तो कहीं ना कहीं उसी सबसे मिशनरी प्रोग्राम से ही रिलेटेड मुझे लग रहा है चीज मिताक्षरा दया भागा माय पर्सन हैज रादर आवर पर्सन हैज डन इट इन प्रिलिम्स अतुल्या द प्रोग्राम व्हिच वी हैड रन सक्सेसफुली फॉर कंटिन्यूअस 60 डेज इट कवर्ड एवरी आस्पेक्ट ऑफ द कन्वेंशनल एरिया सर और सारा ये विजयनगर एम्पायर वाला चीज हो चाहे हर्षवर्धा वाला तो हमने कह ही दिया टेराकोटा आर्ट्स वगैरह हो सब वी हैव डन एवरीथिंग सर धोलावीरा तो ऑल इन ऑल अजंता केव्स ये सब तो सर हम लोगों ने बहुत अच्छे से किया है इवन दिस क्वेश्चन 85 जहाँ पे कि हमने करा है कि परगना सरकार सुबह ये सब क्या होता है मेडिवल टाइम के हिस्ट्री में एंड आई फुली रिमेंबर दिस थिंग्स हैव बीन फुली कवर्ड so overall sir I will conclude by saying trend wise it is almost on the trend because trend is not only for 1 year or 2 years previous year question yes they have tried to ask contemporary and conventional topic they have tried to test your basics because that tests your suitability for the services also more or less prelims or mains mein ye sab topic आए दिन आते रहे हैं मतलब ईयर आफ्टर ईयर आते रहे हैं टफनेस वाइज क्या कहूँ डिपेंड्स बट एक पर्टिनेंट क्वेश्चन होगा कि कट ऑफ क्या जाएगा तो आई एम द वन पर्सन हु रिफ्रेंस फ्रॉम डूइंग ऑल दीज थिंग्स
बट देन वंस योर शॉर्ट आंसर इफ यू हैव 60% आई मीन इफ यू आर गोइंग टू गेट 120 nobody can stop you. Below that, God knows what will be the cutoff. I think Atul sir is more expert on this thing and rather bigger expert on coming around the cutoff. So I'll ask you only, sir, to put something on that. Sir, again, I also refrain from giving cutoffs. I think this is a job which many other institutes do successfully. I don't know, is it success or it is far from what UPSC tells when they release the cutoff. Anyway, jokes apart, see, agar jo Saroj sir ne kaha 120, ye aapke liye ek target hona chahiye jab aap apni taiyari karte hain. He is not predicting anything. Don't take it that he is saying 120 cutoff. Kyunki kahin kuch कम कई बार होता है चीज़ें कि आप जब अपनी तैयारी शुरू करते हैं सी बीच में 2016-17 में एक बार 100 सो इट्स नॉट दैट इट वुड ऑलवेज रिमेन साउथ ऑफ 100 इट कैन ऑलवेज बी देयर 100 प्लस 110 बट अगर आप 120 मार्क्स का अपना टारगेट लेके चलते हैं यू आर ऑलवेज इन ए सेफ जोन. बट इस पेपर को देख के मैं कुछ कट ऑफ की बात तो नहीं करूँगा बट हाँ ये पेपर वंस अगेन आसान नहीं है. देयर बी लॉट ऑफ एनालिसिस जहाँ लोग अपने अपने सेगमेंट को कहेंगे ये तो मैंने दिया ही था ये तो मैंने पढ़ाया ही था और ये चीज़ यूपीएससी ने पूछ लिया है. इन सब चीज़ों में हम लोग देखे बात करते हैं जब एक तैयारी की वहाँ पे हम लोग किसी भी चीज़ को पर्टिकुलर बिकॉज मैं इतने सालों से इस एग्ज़ाम को ट्रैक कर पा रहा हूँ कवरिंग एवरीथिंग अंडर द सन इज़ नॉट एट ऑल पॉसिबल फॉर एनी स्टूडेंट. एज अ कैंडिडेट आप लोग अपने तैयारी में एक दिमाग खुला रख सकते हैं. आप अपनी चीज़ों को समझने आप कोई चीज़ पर्टिकुलर चीज़ समझते हैं उससे साथ में जुड़ी हुई इंफॉर्मेशन को अगर बैक ऑफ माइंड आप उस चीज़ को ध्यान में रखते हैं एक बार नज़र से गुजरती हैं. इसीलिए कहते हैं कि रीडिंग जितना ज़्यादा रीडिंग आप करते हैं उतना ही आपके लिए बेहतर हो जाता है. सो कमिंग बैक टू कट ऑफ माई टेक इज इफ यू एक्सपेक्ट एनीथिंग अबव 95-96 आपको बिल्कुल किसी भी मेरी भी बात मत मानिए. अगर आपको लगता है कि 90 प्लस भी हैं आप तो भी आप मेंस की तैयारी कीजिए. किसी भी देखिए हम लोग जिस जैसे बात करते हैं कि कोई एक क्वेश्चन जिसका आंसर हमें लगता है ठीक है बट यहाँ पे ब्यूटी ऑफ फॉर्मिंग मेकिंग दीज क्वेश्चंस कम इन टू प्ले जहाँ क्रिएटिविटी है इनोवेशन है और कई बार दो ऑप्शंस इतने क्लोज होते हैं कि जिसमें शायद हम लोग जिस रेफरेंस को लेके बात करते हैं बट यूपीएससी के लिए जो रेफरेंस है उनके पास दैट इज द अल्टीमेट और दैट इज द राइट आंसर. तो वहां पे कोई भी गलती कर सकता है. आप एज ए कैंडिडेट गलती अगर कर रहे हैं कहीं उन क्वेश्चंस में तो कोई ऐसा नहीं है कि आप बहुत बड़ा एक कोई अपने को नुकसान पहुंचा रहे हैं. आपके पास 100 क्वेश्चंस हैं. 100 क्वेश्चंस में से आपको अपने लिए एक सेफ जोन में जाने के लिए इसीलिए सर ने कहा 120 का आपको टारगेट होना चाहिए. आते कितने हैं आप कितना सही स्कोर कर पाते हैं कितने मार्क्स आपको मिलते हैं इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर लक एंड हाउ यू परफॉर्म्ड ऑन दिस पर्टिकुलर डे. बिकॉज हम लोग बातें बड़ी आसानी से करते हैं केक वॉक है ये है वो है ये आसान था ये यहाँ से रेफरेंस था ये वहाँ से रेफरेंस था. बट मैंने कई बार एग्जामिनेशन सेंटर्स पे स्टूडेंट्स से इंटरेक्ट किया है और मैं इस बात को 30 साल पहले की भी बात करूं और आज की बात करूं माइंडसेट एक स्टूडेंट का एक कैंडिडेट का एक सिमिलर है. कहीं कोई बदलाव नहीं है. एंजाइटी ज़बरदस्त होती है और अंडर प्रेशर हम लोग यहां से खड़े होकर बात कह सकते हैं कि हाँ ये आसान था बट आपकी बात मैं समझता हूं कि ये आसान नहीं है. और ख़ासकर इतने ह्यूमिड क्लाइमेट में आप जिन स्कूल में फैंस के नीचे बैठ के काम करते पढ़ते हैं अपना
अपना एग्जाम अटेम्प्ट करते हैं. सो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन और प्रेशर और एक आपकी उन सब चीज़ों को देखते हुए अगर मेरे को लगता है कि आपने जो भी परफॉर्मेंस की है बहुत अच्छा है. आपके पास अपनी चीज़ों को देखने का टाइम है. आप शाम को कट ऑफ देखने की जगह आप ये देखें कि आप क्या चीज़ नहीं पढ़ पाए यूपीएससी की, कहाँ पे आप यूपीएससी एग्जामिनर की सोच से कितना दूर रह गए, आपकी तैयारी में आपके स्टडी मटेरियल रिसोर्स में कहीं कोई कमी थी, आप अपना जो पढ़ने का तरीका था. डेफिनेटली बट आपके लिए आज का दिन अगर है तो आज आप रिलैक्स करें, कल रिलैक्स करें, दो दिन तीन दिन रिलैक्स करें. बट आपके सामने एक गॉड सेंट अपॉर्चुनिटी है, दशहरा हॉलीडेज आर देयर, तो तीन चार दिन आप रिलैक्स करें और आई थिंक फ्रॉम नेक्स्ट डे यू शुड बी बैक ऑन जॉब. आपको मेंस की तैयारी कंटिन्यू करनी है और आप झिझके नहीं, आप डरे नहीं कि आपका होगा या नहीं होगा. इन सब चीज़ों को छोड़ दीजिए. कुछ चीज़ें होती हैं आपकी अब फेट, आपकी किस्मत लॉक हो चुकी है, उसके बाद जो भी होगा वो रिजल्ट आएगा तो पता चल जाएगा. बट आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू कीजिए, मेंस के ऊपर तैयारी कीजिए और मेंस के लिए आप अपने को जितना अच्छे से तैयार करेंगे, इस टाइम को जितना यूटिलाइज. और इस बार आप देखें आपका एग्जाम, आपके पास 3 महीने का भी समय नहीं है, तीन मुश्किल से 2.5 महीने, 7 जनवरी को आपका एग्जाम है. सो आप अगर कहीं भी कोई एक दिन भी लूज कर रहे हैं तो आप अपना ही नुकसान कर रहे हैं. सो इट्स बेटर डोंट लुक एट कट ऑफ. इफ यू फील कि आपको ये पेपर रीजनेबली अच्छा है, आपने अपनी और आंसर्स की मिलाने में 2 दिन 3 दिन अगर आप वेस्ट करेंगे तो अपना ही नुकसान करेंगे, बिकॉज डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स विल हैव डिफरेंट सेट ऑफ आंसर्स फॉर बहुत कम लोग होते हैं, बहुत कम. मैंने तो जितने सालों में देखा है यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ एक अलग दिखाने के उसमें कुछ ना कुछ, और एक इसमें कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो सबसे पहले फर्स्ट मूव और एडवांटेज लेने के लिए लोग कुछ अपना जल्दबाजी में आंसर रिलीज करते हैं और वो कंफ्यूजन और एक डर पैदा करता है. सो बेटर लीव ऑल दीज थिंग्स, कंसंट्रेट ऑन योर स्टडीज एंड मेंस के लिए ऑल द बेस्ट. सर आप कुछ कहना चाहेंगे? सो पुल अप योर सॉक्स, गिव इट अ बिग शॉट.